जी, मेरा नाम नासिर खुएमानी है, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन जर्नलिज्म में कर रहा हूँ उत्तराखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। जहाँ तक आपको पता है कि इंटरनेट शटडाउन है कश्मीर वैली में, काफ़ी तरह का नुकसान हो गया, काफ़ी तरह की प्रॉब्लम्स हो गई हैं, चाहे वो इकोनॉमिक के लिहाज से इकॉनमी पर गहरा असर पड़ा, बिजनेस पे गहरा असर पड़ा। लेकिन अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें, क्योंकि कश्मीर वैली में अगर किसी अनरेस्ट या टर्माइल से किसी तबके पर अगर ज़्यादा गहरा असर पड़ता है तो वहाँ का एजुकेशन है। वहाँ की एजुकेशन फर्स्ट और फॉरमोस्ट विक्टम बनती है जब भी टर्माइल, जब भी कोई अनरेस्ट होता है। जैसा कि आपको पता है कि इंटरनेट शट डाउन है, स्टूडेंट्स या स्कॉलर्स, रिसर्च स्कॉलर्स या बाहर जो स्टूडेंट्स रियासत में पढ़ रहे हैं, प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, उनको किस तरह की मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, बखूबी एक आम नागरिक, तो एक आम इंसान उससे बखूबी वाकिफ है। जहाँ तक स्टूडेंट्स रिसर्च स्कॉलर्स की हम बात करें, एक रिसर्च स्कॉलर जिसको फेलोशिप ग्रांट होती है बिरूनी रियासत में, किसी की अमेरिका में, किसी की लंदन में, किसी की ब्रिटेन या इटली जैसे कंट्रीज में उसकी फेलोशिप ग्रांट होती है। कम्युनिकेशन की वजह से, कम्युनिकेशन गैप जो के हैं, वो वक्त पे मेल नहीं चेक कर पाया, वो वक्त पे अपना जो सिस्टम है कम्युनिकेशन नहीं कर पाया उनसे, उसको उसकी जो फेलोशिप है वो वहाँ टाइम पे ज्वाइन नहीं कर पाया। जहाँ तक हमारी सिविल सर्विस स्टूडेंट्स की बात करें, सिविल सर्विस स्टूडेंट्स चूँकि वो इंटरनेट से उनका जो भी मटेरियल जो उनको ज़रूरत होता है टाइम पर नहीं मिल पाता है, उनको टाइम पर नहीं मिल गया उनको भी किस तरह की बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ रहा है उससे आप को भी वाकफ जानते हैं। साथ ही साथ जहाँ तक नीट स्टूडेंट्स जो कि आज चूँकि आपको पता है नीट स्टूडेंट्स के फॉर्म भर रहे हैं, हज़ारों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको द्रास, करगिल, बान्याल जैसे दूर दूर रियासत, कुपवाड़ा से लेके 400-500 किलोमीटर जाना दूर पड़ता है और वहाँ जाके उनको फॉर्म फिल करना पड़ता है या उसका के जो भी उनकी स्टेट्स हैं, फेलोशिप का स्टेट्स हैं, वो उसका स्टेट्स देखना पड़ता है।